नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। एक ओर आज अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी और दूसरी ओर उसके बेटे असद का एनकाउंटर जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। किसी ने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान की, भारत के कानून की। लोगों ने कहा कि अब कानून पर भरोसा नहीं है जब ऐसे ही एनकाउंटर होने हैं। जहां अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, दूसरी ओर अतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि इस पे सियासत भी गर्मा उठी है। हर कोई राजनेता इस पर अपना बयान दे रहा है, हर कोई बीजेपी को टारगेट कर रहा है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान निकल कर सामने आया। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर एनकाउंटर करती है। अब बीजेपी के एनकाउंटर को धर्म से कनेक्ट कर दिया गया है। उनका कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का, कि जब जो हरियाणा के अंदर दो मुस्लिम युवकों को बुलेरो कार के अंदर जिंदा जला दिया गया था, उनमें से किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। और वो बात कर रहे थे जुनैद और नासिर की। जुनैद और नासिर के अपराधियों को सजा नहीं मिली, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन वहीं असद का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, वो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये धर्म के नाम पर एनकाउंटर होता है, बीजेपी धर्म के नाम पर एनकाउंटर करती है। एक बार आप असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो देखिए जहां उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है, धर्म का और एनकाउंटर से लिंक करते हुए, जो ओवैसी बार बार कहते हैं। और इस बार भी इन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर एनकाउंटर करती है, धर्म के नाम पर बुलडोजर चलाती है और सिर्फ मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ हर बार मामला सामने आता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। एक नजर इस वीडियो पर। हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया क्या? हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? रहे एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब, नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बाला दस्ती रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामाबाद में, देखा आपने, ओवैसी ने साफ तौर पर बोला कि क्या जरूरत है कानून की, क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी की, क्या जरूरत है संविधान की, जब बीजेपी को अपने आप ही गोली से इंसाफ करना है। ओवैसी का ये बयान बार बार बता रहा है, बीजेपी पर निशाना साध रहा है। एक ओर उमेश पाल का परिवार खुश है कि उनको इंसाफ मिला, दूसरी ओर देखा जा रहा है राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं कि बीजेपी बार बार इस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ करती है और ये पूरा एक राजनीतिक माहौल बनाती है, मुसलमानों को टारगेट करती है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।